राजनांदगांव नगर निगम द्वारा समता कॉलेज चौक में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 24 दुकान का निर्माण कराया गया। निर्माण के बाद आवंटन को लेकर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अब दुकानों के आवंटन को लेकर भाजपा ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। आज नगर निगम नेता प्रतिपक्ष किशन यदू और भाजयुमो के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर अन्य कार्यकर्ताओं के साथ कमला कॉलेज चौक पर धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह व नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशन यदू ने आरोप लगाया है कि आवंटन जिला शहरी विकास अभिकरण डूंडा की उस जिला चयन समिति के माध्यम से किया जाना था जिसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं। महापौर परिषद ने आवंटन कर न केवल नियमों की धज्जियां उड़ाई बल्कि कलेक्टर के अधिकारों का भी हनन किया है। नगर निगम द्वारा कमला कॉलेज चौक में टेक नगर निगम द्वारा कमला कॉलेज चौक में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 24 दुकान का निर्माण कराया गया है। इनमें से 13 को आवंटन दिया गया है। अभी व्यवस्थापन के लिए पात्र 9 दुकानदारों को आवंटन देना बाकी है। भाजपा का आरोप है कि आवंटन की प्रक्रिया गलत है। पात्र हितग्राही को दुकानों का आवंटन ना कर निगम प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को फर्जी नोटिस जारी कर दुकानें सौंप दी गई। आवंटन के लिए षड्यंत्र कर पात्र ठहराए जाने की कोशिश की गई। इसके अतिरिक्त जिन अवैध प्रक्रियाओं के तहत दुकानों का आवंटन किया गया है वह सीधे तौर पर कलेक्टर के अधिकारों के हनन का विषय भी है। अभी देख रहे हैं यहाँ पर चक्का जाम करके जो है हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ में ये जो सामने दुकानें बनी हैं उनको आवंटन नहीं मिल पाने के कारण से जो जिनका रोजी रोटी का संकट आ पड़ा हुआ है ऐसे लोगों के साथ में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हितग्राही थे यहाँ पे जिनकी दुकानें थी लेकिन नगर निगम की भ्रष्ट व्यवस्था के चलते इनको दुकानें नहीं मिल पाई है। मजबूरी में आज हम सबको चक्का जाम करना पड़ा। हितग्राहियों के साथ हमने 2 बार कलेक्टर साहब से संपर्क किए, 4 बार नगर निगम आयुक्त से संपर्क किए और हितग्राही लोग अनगिनत बार महापौर जी और आयुक्त साहब से संपर्क किए लेकिन इनके मांगों पर किसी भी प्रकार से विचार आज तक नहीं किया। मजबूरी में चक्का जाम करना पड़ा है और जैसे हम लोग जब भी आयुक्त साहब या कलेक्टर साहब से मिलते हैं उनका एक ही जवाब होता है कि फाइल मेरे पास नहीं पहुंची है, MIC से नहीं आया है। MIC से नहीं आया, 31 अगस्त को MIC हुआ था, आज इतने दिन तक के फाइल नहीं आना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पूरी तरह से इसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है। यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता तो फाइल दूसरे दिन पहुंच जाती और अब तो ये शक होने लगा है कहीं इस भ्रष्टाचार में आयुक्त और कलेक्टर का भी साथ तो नहीं है। TCP 24 न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से विपुल कन्हैया की रिपोर्ट।